आदाब दोस्तों, जैसा हम आपको बता रहे हैं और बता चुके हैं कि हमें एक बहुत छोटा सा हम एक सीरियल लेके आए हैं आप लोगों के वास्ते, फरिश्ते। फरिश्ते सही मायने में तो आजकल क्या कभी नहीं मिलते, वो एक किस्सा है, कहानी है, कुछ है नहीं पता हमें, फिल्मों और कहानियों में दिखाए जाते हैं, लेकिन हम सही मायनों में आपको जिंदा फरिश्ते दिखा रहे हैं। वो फरिश्ते इसलिए हैं कि उन लोगों ने इंसानियत के लिए, अपने समाज के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने लोगों के लिए जितना उन लोगों ने काम किया है, तो जैसे हमने पढ़ा है या सुना है, शायद फरिश्ते ही ऐसे करते होंगे। आज हम जिस फरिश्ते को आपके रूबरू लेके आएंगे, उनके बारे में मैं एक या दो बातें बताऊँगा। पहले तो ये कि जब हम यहाँ, मैं भी यहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूँ, स्टूडेंट रहा हूँ, तालिबे इल्म रहा हूँ, तो कहीं अपना, अगर मेरी सिस्टर, दो बहनें भी यहाँ रही हैं, तो जब हम गायनी वार्ड में ड्यूटी देते थे या बाहर बैठ के साथ ही कैंटीन हुआ करती, चाय पीते थे, तो मैं आपको सच बताता हूँ कि जो लोग वहाँ बैठे हुए करते थे, वेट किया करते थे भी डिलीवरी की अपने, उनकी वाइफ की, तो वो लोग दुआ करा करते थे, हाथ उठा के अल्लाह से, बाबा जी से दुआ मांगते थे कि हे बाबा जी, हे अल्लाह, हे रब, हे वाहेगुरु, साड़ी जिहड़ी डिलीवरी है वो मैडम सरीन कर। मतलब दैट वॉज द, वट यू कैन से, दैट वॉज द ऑरा ऑफ दिस फरिश्ते। और फिर मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि मैं, मेरे को शायद नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होगा कि मैम ने कितनी डिलीवरीज सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड की हैं, लाखों में होंगी। और ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ, आज तक उनकी की हुई कोई डिलीवरी आज तक कहीं नहीं आया भी ख़राब हुई। तो ये अल्लाह का कर्म कह लीजिए या उन लोगों की डेडिकेशन कह लीजिए। चलिए मिलते हैं, आज हम मिलते हैं मैडम डॉक्टर सरीन से। तो मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। पर्सनली इट्स ए ग्रेट प्रिविलेज एंड ऑनर फॉर मी टू टॉक टू यू, सिंस यू आर माई मेंटोर, आई डोंट से टीचर, यू आर ए मेंटोर टू अस, एंड ऑलमोस्ट यू आर ए फैमिली मेंबर टू अस, एज यू नो यू आर वेरी क्लोज टू माई फादर, ही यूज टू ट्रीट यू एज लाइक हिज डॉटर। तो मैडम मैं एक बात पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपने MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की? MBBS मैंने अमृतसर मेडिकल कॉलेज जी, और PG? PGI से की। अच्छा, पटियाला आप आए तो कितने साल आप यहाँ मेडिकल कॉलेज में रहे? तकरीबन 40, 45, 50? 33 ईयर्स, मोर देन 33। तो यू आप यहाँ प्रोफेसर एंड हेड रिटायर हुए जी? हाँ जी, प्रोफेसर हेड रिटायर। आपके वक्त में आपने अभी 35-40 साल मेडिकल कॉलेज में तजर्बा किया, आपका एक्सपीरियंस है एज ए प्रोफेसर, एज ए हेड। तो आप ये बताइए कि 30-35 साल और बाद में जो 15 साल का अब आपका जो प्राइवेट लाइफ में चल रहा है, तो आप इस सारी से आप सेटिस्फाई हैं, आप मुतमईन हैं, या कोई और इच्छा, कोई और रब से मांगते हो दुआ कि यार ये मैं, ए अल्लाह, ए बाबा जी, ये मैं भी, मेरा करना बाकी है कुछ ऐसा? मैंने जो भी किया जी, कहते ना, अपनी दिल से किया जी, और आई हैव नो रिग्रेट्स जी जी जी। जो मेरे खुदा से एक ही प्रार्थना है जी, कि मैं जितने दिन भी रहूं जी, चलती फिरती रहूं और ऐसे ही लोगों की सेवा करती रहूं। मैं किसी सेवा ना करूं जी, मैं उस चीज से बहुत डरती हूं। मैं सिर्फ भगवान से दिन रात यही मांगती हूँ कि एंड तक आई शुड बी वर्किंग, लोगों के लिए काम करती रहूं। बहुत बड़ी बात है मैम। उस वक्त के जो स्टूडेंट थे आपके, चाहे अंडर, चाहे ग्रेजुएशन में थे या पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, उस वक्त के और आज के स्टूडेंट्स में आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है? बहुत फर्क है। एक आधा बताइए अपेरेंट जो सबसे ज्यादा। तो ये है कि तब स्टूडेंट्स में डेडिकेशन बहुत थी जी, और टीचर जितना मर्जी डांट दे जी, और हैरानगी की बात है कि जिन स्टूडेंट को मैंने ज्यादा डांटा है जी, वही मेरे ज्यादा क्लोज हैं। ऐसी हैं जिनको बहुत डांटा और वो मुझे माँ कहती है। और आपको हैरानगी होगी कि मेरे पीजीस ने मेरा नाम क्या रखा, कोकोनट। अच्छा, मैं वैसे बहुत सख्त हूँ, वेरी स्ट्रिक्ट। एक्चुअली कई बार मैं एग्जामिनर, यू आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट ना, उल्टा। अच्छा, आई डे टू डे आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट जी,
एग्जाम में अपेरेंटली आई वाज स्ट्रिक्ट बट आई यूज टू हेल्प माय स्टूडेंट्स. एक्चुअली क्या है कि कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थी. ज्यादा स्ट्रिक्ट थे पर वो फायदा कर गया ना. इट वाज डन इन गुड इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. गुड इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स. सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है जी कि पीछे एक अंबाला में एक स्टूडेंट को किसी टीचर ने डांटा तो उसने उसको गोली मार दी. शायद आपने पेपर्स में पढ़ा था. जी 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 हुआ था ये हादसा. तो मैं ऐसे मेरे तीन चार स्टूडेंट बैठे थे तो मैंने कहा भी अगर आज का जमाना होता तो मुझे भी जरूर कोई गोली मारता. मुझे ये है कि मैंने जो भी किया अपने दिल से किया एंड आई डन माय ड्यूटी. बस ये मेरे को तसल्ली. एक मैडम आपके बारे में बात हमने सुनी है तो उसकी आप बताइए. मेरा ख्याल तो ठीक कि आप को एक शरफ कहते हैं, एक बहुत बड़ा एजाज, बहुत बड़ा आपको ऑनर मिला कि जब आपको मैडम बेनजीर भुट्टो ने उनके डिलीवरी के लिए बुलाया गया था. नहीं, डिलीवरी के लिए तो नहीं बुलाया. मैं कॉन्फ्रेंस में मिली थी तो वो उन्होंने वैसे ही जोक में जैसे कहते हैं अगर मैं इंडिया में होती तो शायद आप मुझे डिलीवर करते. बहुत बड़ी बात है जी. अच्छा मैडम, अब लास्टली आज जो हमारे आपके जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, चाहे वो जॉब कर रही है, चाहे वो प्राइवेट में है, या जो कमिंग अप है स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई आप मैसेज देना चाहे, क्योंकि आपका मैसेज दिया हुआ, क्योंकि लोग आज भी आपको फॉलो करते हैं, लोग आज भी आपको अपना रोल मॉडल बनते हैं, मानते हैं, तो कोई मैसेज आप देना चाहें. मेरा मैसेज तो ये है कि अपनी ड्यूटी अच्छी तरह करो जी, अपने किसी के दबाव में नहीं हो जी. कभी कोई मिनिस्टर भी कहे, चीफ मिनिस्टर भी कहे, अपने दिल की करो, जो आपको ठीक लगता है वो करो. जी, जी, जी. किसी के दबाव में आके कोई काम ना करो जी. और डू योर ड्यूटी प्रॉपरली, मनी विल एक्चुअली फॉलो यू. यू डोंट हैव टू रन आफ्टर मनी, मनी विल रन आफ्टर यू. बिल्कुल ठीक है. वंस यू आर गुड इनफ टू डू योर ड्यूटी, मनी विल ऑटोमेटिकली कम जी. क्योंकि आप भी देखिए ना, आपको बाबा जी ने कोई कमी नहीं रखी. कोई कमी नहीं. हाँ, क्योंकि आपने काम अच्छा किया, दिल से किया, अपने ईमान से किया. तो ठीक है जी, हम आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर करेंगे कि जितने सामीन, जितने ऑडियंस देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इस इंसानी फरिश्ते की बात ज़रूर सुने और अगर हो सके उस पर अमल ज़रूर करें, क्योंकि तभी सही मायने में हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे माशरे का तभी फायदा होगा. बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, और दोस्तों आप सबको खुदा हाफिज़. थैंक यू.